नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। लेबर कोड के विरोध में ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। सरकार ने लेबर कोड को अनिश्चितकाल के लिए टाला, 1 अप्रैल से नहीं होंगे लागू। ट्विटर ने फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट को लॉक किया। विधानसभा चुनाव 2021, कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबरों के बीच असम और बंगाल में दूसरे चरण के मतदान जारी। हमारे 5वीं और आखिरी खबर कोरोना अपडेट। देश में इस साल एक दिन में सर्वाधिक 72,330 नए मामले सामने आए। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 4 लेबर कोड के विरोध में देशभर की ट्रेड यूनियनों ने CITU के नेतृत्व में 1 अप्रैल को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लेबर कोड की प्रतियां जलाकर विरोध किया गया। देखिए न्यूज क्लिक किया ग्राउंड रिपोर्ट। 6 जनवरी को 350 आदमी को कंपनी से बाहर कर दिया गया, अभी तक उसकी कोई बहाली नहीं हो पाई। तो हम लोग इसीलिए सरकार के विरोध में आए हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने, कि कम से कम हमारा नौकरी तो न गायब हो। नौकरी ही छीन ले रहा है तो क्या करेंगे हम, हमारी नौकरी पर आता रही है। सरकार ने हमारे 44 कानूनों को मसल कर 4 कोडों में पार्लियामेंट के अंदर बिना बहस कराए उनको जिस तरीके से किसानों के बिल के साथ पास कराया है, वो प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, हमारे देश का संविधान के ऊपर हमला है। और इस तरीके की तानाशाही हमारे देश में मेरे ख्याल से चलने नहीं देगी देश की जनता। 4 में भी अभी ऐसा कानून ला रहा है कि 10 घंटे का काम करो या उनको पैसा कम दो, तनख्वाह काट लिए जा रही है, कानून के नाम पर ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये केवल कैपिटल के पक्ष में है, लेबर के पक्ष में कुछ है ही नहीं है। लेबर को समाप्त करने के लिए, श्रमिकों को समाप्त करने के लिए, अगर श्रमिक समाप्त हो गए तो पूंजी लगा के कोई कारखाना चल सकता है क्या? इसलिए देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, राष्ट्र के विकास के, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये जन विरोधी नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ये महंगाई विरोधी नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम आए एयरपोर्ट टीटरी इंटरनेशनल टीटरी से, हमें ना वहाँ कम से 11 साल से काम करे, शुरू होने से पहले 3-4 कॉन्ट्रैक्ट आए गए, पुराने बंदे लिए जाते, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता था। अब ये दो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पुराने बंदे कुछ लिए कुछ नहीं लिए, आधे बंदे बाहर निकाल दिए। ये कल रात के हैंडओवर दिया गया, एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया हमें। जो हमारा एयरपोर्ट का पास बनता है बकायदा अंदर जाने के लिए, वो हमारे कर्मचारियों का किसी का पास नहीं बनने के बाद बावजूद फाड़ दिया गया। किसी भी वर्कर को, हमारे को कर्मचारी को, किसी को भी ड्यूटी पे नहीं लिया, उन्होंने नए भर्ती कर ली है। जो पुराने श्रम अधिकार थे मजदूरों के, जो काफी एक अकूत कुर्बानियों और लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुए थे, उन तमाम जो है अधिकारों को, श्रम अधिकारों को 4 लेबर कोड में समेट के जो है मजदूर वर्ग के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला जो है सरकार ने, अभी मोदी सरकार ने बोला। ये कानून श्रमिकों के हित में तो नहीं है, देश के हित में नहीं है। देश को खत्म कर, देश की आजादी, देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, सब कुछ दांव पे लग गया है। वहीं 1 अप्रैल से लागू होने वाले लेबर कोड के बारे में सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से लेबर कोड लागू नहीं होंगे और इन्हें अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस स्थगन की वजह कई हैं, जैसे 5 राज्यों में जारी चुनाव, श्रम संगठनों का विरोध और राज्य सरकारों द्वारा इसका प्लान बनाने में देरी। इसका मतलब यह हुआ कि अब काम के घंटों, इन हैंड सैलरी जैसी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा 31 मार्च को वित्त मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सेविंग इंडेक्स जैसी चीज़ों पर मिलने वाले रिटर्न्स की दर कम कर दी गई थी। मगर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वह नोटिस गलती से जारी हो गया था, इनकी दरों में कोई बदलाव नहीं होंगे। ट्विटर ने फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर अकाउंट को दिसंबर में पोस्ट किए गए एक ट्वीट की वजह से लॉक कर दिया गया।
इस ट्वीट में FSMI ने ग्रोसरी डिलीवरी वेबसाइट बिग बास्केट में रिपोर्ट जारी किए गए डेटा ब्रीच की जांच करने के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की बहाली की मांग की गई थी। FSMI खुद को फ्री सॉफ्टवेयर के लिए काम करने वाला संगठन बताता है, जो मौजूदा वक्त में फ्री सॉफ्टवेयर के हित में काम करने वाली पॉलिसी बनाने पर भी काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल और असम में जारी विधानसभा चुनाव में आज कुल 69 सीटों पर मतदान जारी है। असम की 39 और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें बंगाल की नंदीग्राम सीट भी शामिल है। असम में चुनाव 3 चरणों में होंगे। तीसरा और आखिरी चरण के मतदान 6 अप्रैल को होंगे, जबकि बंगाल में कुल 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। भाजपा असम में पारंपरिक रूप से कांग्रेस के गढ़ों में सेंध लगाकर पिछले चुनाव में मिली बढ़त को बरकरार रखने के लिए लड़ रही है। बंगाल में इस दूसरे चरण में बीजेपी पिछली बार तृणमूल कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। बंगाल में जारी मतदान की बात करें तो एक तरफ से आज हिंसा के बीच मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक बंगाल और असम में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह 9 बजे तक बंगाल में 15.72% और असम में 10.51% मतदान हुआ है। बंगाल में कुछ जगहों से हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान शुरू होने से पहले बृहस्पतिवार की सुबह पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जबकि CPM ने तृणमूल पर लोगों को वोट न डालने देने का आरोप लगाया। घोटाला में CPM ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस बल ने बंद रास्ते खुलवाए। पश्चिम बंगाल और असम के अलावा 6 अप्रैल को तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में भी मतदान होने वाले हैं। हमारी आखिरी खबर में हम बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 1 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 72,330 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से आज करीब 4 महीने बाद 450 से ज़्यादा यानी 459 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। महाराष्ट्र में आज फिर से 39,544 नए मामले दर्ज किए गए और 227 मरीजों की अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 40,382 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 31,489 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,21,665 हो गई है, जिनमें से संक्रमण के कारण अब तक 1,62,927 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 93.88% यानी 1,14,74,683 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4.77% यानी 584,55 हो गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।